हेलो गाइज, मैं सुनील गोस्वामी, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, टारगेट विद गोस्वामी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। डेली न्यूज अपडेट्स, जो 7 जनवरी 2018 का हमारा आज का करंट अफेयर है, वो डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले मैंने 1 से 6 जनवरी तक के और वीडियो बनाए हैं, तो वो नहीं देखे आपने तो वो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको PDF में नोट्स अपलोड मिलेंगे, वहाँ से डेली अपडेट्स होते हैं। वहाँ SSC CGL के लिए, SSC LDC और UPSC और लॉट ऑफ जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तकनीकी मिशन पे आधारित है। तो तकनीकी मिशन, भारतीय रेलवे को तकनीकी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 3 मंत्रालयों ने एग्रीमेंट साइन किया है, समझौता किया है। तो जो भारतीय रेलवे है उसको जो टेक्निकल मिशन रखा गया है उसको बढ़ाने के लिए 3 मंत्रालय ने समझौता किया है। तो वो तीनों मंत्रालय कौन से हैं? रेल मंत्रालय, जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD जो है प्रकाश जावड़ेकर हैं, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट देखिए, नौसेना और थल सेना के लिए 2420 करोड़ रुपए का जो बजट है, नौसेना और थल सेना के लिए 2420 करोड़ रुपए का बजट। तो केंद्र सरकार ने नौसेना और थल सेना के लिए 2420 करोड़ रुपए का जो बजट जारी किया है, जिसमें से 1949.32 करोड़ रुपए है वो नौसेना की निगरानी के लिए, जो विमान P-8I है उसकी खरीद के लिए हैं, और 470 करोड़ रुपए हैं वो थल सेना के लिए संचार प्रणाली की खरीद के लिए हैं। तो आप ध्यान रखें इसके, अभी टोटल बजट है 2420 करोड़ रुपए का है। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है वो 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई हैं। तो जो फर्स्ट है वो थाईलैंड है, उनका जो स्टॉपेज है 4 से 5 जनवरी। थाईलैंड के जो विदेश मंत्री हैं डॉन प्रमुद विनाई के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। फिर इंडोनेशिया जाएंगी विदेश मंत्री। तो आसियान के महासचिव व विदेश मंत्री रेटेनो जो मारसुदी से मुलाकात करेंगी, जो इंडोनेशिया के हैं। और लास्ट है, जो अंतिम है, तीसरा चरण, वो सिंगापुर का रहेगा। तो 3 देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, एयर मार्शल असगर खान, तो पाकिस्तानी वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल और वरिष्ठ राजनीतिक असगर खान का 96 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो अभी आ सकता है क्वेश्चन, एयर मार्शल असगर खान का हाल में निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो पाकिस्तानी वायुसेना के कमांडर इन चीफ रहे हैं फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, TS त्रिमूर्ति, तो अभी हाल ही में चर्चा में TS त्रिमूर्ति हैं। तो TS त्रिमूर्ति को विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आर्थिक संबंध से मामलों से हैं। तो TS विदेश मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, G-SET 11, तो G-SET 11 है एक सैटेलाइट है, तो 5725 किलोग्राम। G-SET 11 देश का सबसे भारी सैटेलाइट है। G-SET 11 को फ्रेंच गुआना से, फ्रेंच एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सुविधा देने वाला देश का पहला उपग्रह होगा ये। तो यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका वेट है सबसे भारी, मतलब देश का सबसे भारी सैटेलाइट है ये। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया,
तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने खेलो इंडिया का लोगो जारी किया है। तो खेलो इंडिया 31 जनवरी 2018 से शुरू होगा, तो ये इस प्रकार का लोगो आप देख सकते हैं। तो ओगिलवी इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, और नए भारत की ताजगी और सफलता और जीवन शक्ति को दर्शाता है ये लोगो। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सर्वेक्षण के अनुसार देश का जो सकल नामांकन अनुपात है GER है जो 24.5% 2015-16 में था, वो बढ़कर अब 0.7% की वृद्धि के साथ 2016-17 में 25.2% रहा है। तमिलनाडु देश में देश का 46.9 उच्चतम GER रहा था, और बिहार का सबसे कम है 14.9%। तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट जारी किया जिसके अंदर ये GER की रिपोर्ट बताई गई है। तो एक बार आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको दोबारा से। देखिए, तकनीकी मिशन। तो भारतीय रेलवे के तकनीकी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तीन मंत्रालय एग्रीमेंट, रेल मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नौसेना और थल सेना के लिए 2420 करोड़ रुपए का बजट पास किया केंद्र सरकार ने, तो जिसमें से 1949.32 करोड़ रुपए नौसेना की निगरानी के लिए विमान PAT खरीद किया जाएगा, और 470 करोड़ रुपए थल सेना के लिए संचार प्रणाली खरीद की जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। एयर मार्शल असगर खां का निधन हो गया है 96 वर्ष की उम्र में, तो वो पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल थे। TS तिरुमूर्ति है, वो हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। GSAT-11 देश का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना से फ्रेंच एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में बनाया गया है, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सुविधा देने वाला देश का पहला उपग्रह होगा। खेलो इंडिया का जो लोगो राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जारी किया है, खेलो इंडिया के 31 जनवरी 2018 शुरू होगा। इसका लोगो है ओगिलवी इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, नए भारत की ताजगी और सफलता का जीवन शक्ति को दर्शाता है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय उसने जारी किया, जिसमें देश का सकल नामांकन अनुपात GER 24.5 से बढ़कर 25.2 हो गया है, और तमिलनाडु देश का 46.9 उच्चतम GER है, और बिहार में सबसे कम है 14.9%। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, टारगेट विद गोस्वामी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अभी तक आपने 1 से 6 जनवरी की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, तो वो जरूर देख लें। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।